व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं एटग्रेट अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 8वीं की है और आज हम इसमें पढ़ेंगे अंग्रेजी का लेसन 4। इसके पहले हम लेसन 1 अंग्रेजी का कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर देख सकते हो और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं लेसन 4, ट्रीज अवर सेवियर्स, पेड़ हमारे रक्षक। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इसमें पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 words। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखे। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड के लोगों के जीवन में कौन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर है द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वह है द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन के जो जंगल है वह उत्तराखंड के जो पीपुल्स मतलब लोग हैं उनके जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, तो द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, नेम द मूवमेंट मेंशनड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। तो इस लेसन में जिस मूवमेंट जिस आंदोलन की बात की गई है पेड़ों की रक्षा करने वाले, उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है चिपको मूवमेंट, चिपको CHIPKO, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, मेक ए कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड एक्स मैन। तो हमें यहाँ पे जो शब्द दे रखे एक्स और मैन, इसे कंपाउंड वर्ड बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स मैन, दोनों साथ में हो जाएंगे एक्स मैन, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है और मैन मैन मीन्स आदमी, तो एक्स मैन कुल्हाड़ी वाले आदमी। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें सेकेंड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1, 2, 3 सेंटेंसेस। दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्स मैन। तो इसका आंसर है द विलेजर्स रिक्वेस्ट टू एक्स मैन टू गो बैक। तो यहाँ प्रश्न है, व्हाट डिड विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्स मैन। विलेजर्स मतलब गांव के लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने एक्स मैन कुल्हाड़ी वाले जो लोग थे उनसे क्या रिक्वेस्ट की थी। तो इसका आंसर है द विलेजर्स मीन्स ग्रामीणों ने रिक्वेस्ट टू एक्स मैन टू गो बैक, एक्स मैन से कहा था कि आप वापस चले जाओ क्योंकि वो पेड़ काटने के लिए आए थे और सभी गांव के लोगों ने इसका विरोध किया था और उनसे कहा था कि आप वापस चले जाओ, पेड़ मत काटो। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर्स टू सेव द फॉरेस्ट। ग्रामीण गाँव के लोगों द्वारा जो संगठन बनाया गया था सेव द फॉरेस्ट मतलब जंगलों की रक्षा के लिए, उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है दसोली ग्राम स्वराज मंडल, दसोली DASOLI, दसोली ग्राम GRAM, ग्राम GRAM ग्राम, स्वराज SWARAJYA, स्वराज MANDL मंडल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द मैसेज स्लोगन राइज्ड बाय द पीपुल इन चिपको। तो चिपको आंदोलन के समय लोगों के द्वारा जो मैसेज और जो स्लोगन नारे दिए गए थे वह हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसका आंसर होगा, इसमें पहला जो नारा है, चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काटो पेड़ों को नहीं। इसके बाद दूसरा है, किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट ए ट्री, किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट ए ट्री, एक पेड़ काटने के पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। तो इस प्रकार के नारे उस समय दिए गए थे चिपको आंदोलन के समय। तो इसके बाद है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 to 7 सेंटेंसेस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन के ऊपर एक शॉर्ट छोटा नोट हमें लिखना है। तो इसका आंसर होगा, चिपको मूवमेंट इज फॉर सेव द ट्रीज मूवमेंट। चिपको आंदोलन वास्तव में पेड़ों की रक्षा का आंदोलन था। इट वॉज ए नॉन वायोलेंस मूवमेंट, यह एक अहिंसक आंदोलन था। नॉन वायोलेंस मतलब अहिंसक आंदोलन था। द पीपुल सेव द ट्री बाय हगिंग देम, लोगों ने पेड़ों की रक्षा उनसे चिपक कर करी थी, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया था। हगिंग देम मतलब उनसे चिपक कर करी थी। द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, चिपको आंदोलन
वनों की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार चिपको आंदोलन पे कुछ वाक्य हैं। इसके बाद हम करेंगे असेसमेंट शीट जो दे रखी है, असेसमेंट शीट 2 जो कि लेसन 4 की है और ये आपकी बुक के पेज नंबर 59 पर है, पेज नंबर 59 पर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें पहला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन आर टू वर्ड्स, तो दिए गए प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों में लिखे। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू ट्री गिव अस, राइट वन आर टू थिंग्स, पेड़ हमें क्या देते हैं, एक या दो चीजें लिखनी थी हमें यहाँ पे। तो हमने लिखा फ्रूट्स, वुड्स, फ्रूट्स मतलब फल, वुड्स मतलब लकड़ियां, हम यहाँ वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, मेडिसिन भी पेड़ों से हमें बहुत सारी मिलती है, तो हम ये सारी चीजें यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन टू थ्री सेंटेंसेस, दिए गए प्रश्न का उत्तर एक से तीन वाक्यों में लिखे। तो यहाँ क्वेश्चन 2 है व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू गो बैक व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्री, जब एक्समैन मतलब कुल्हाड़ी वाले लोगों ने, कुल्हाड़ी जो लेके आए थे उन लोगों ने वापस जाने से मना कर दिया, तो गांव के लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए क्या किया। तो इसका आंसर है द विलेजर्स डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच ट्री, गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि हम कुल्हाड़ियों को पेड़ों को, कुल्हाड़ियों से पेड़ों को नहीं काटने देंगे, नो मैटर व्हाट हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके बाद है लॉन्गेस्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 to 7 सेंटेंसेस, दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखे। इसमें हाउ डिड पीपल ऑफ उत्तराखंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट दोज डेज, उन दिनों उत्तराखंड के लोग जंगल पर किस प्रकार डिपेंड थे, तो इसका आंसर होगा द पीपल ऑफ उत्तराखंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट वेरी मच, उत्तराखंड के लोग जंगलों पर बहुत अधिक निर्भर थे, दे डिपेंड फूड हर्ब्स मेडिसिन फॉर ट्रीज, वे पेड़ों से भोजन के लिए और सब्जियों के लिए, दवाइयों के लिए, इन सभी पर निर्भर थे। तो इस प्रकार इसका आंसर है और यह हमारा लेसन पूरा हो चुका है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।